चौरी चौरा में हुई अपहृत युवती का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है और युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके संबंध में सीओ चौरी चौरा सुमित शुक्ला ने बताया कि अपहर्ता ने स्वयं अपने प्रेमी हरिमोहन पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी पलटू की प्याऊ थाना खनदौली जिला आगरा के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था और झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने को मृत साबित करने का नाटक किया था। सीओ सुमित शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार युवती और उसके प्रेमी से पूछताछ में पता चला कि घर के प्रताड़ना के कारण वह एयरटेल कंपनी से निकाले जाने के बाद चलते नाराज होकर कंपनी में कार्यरत कर्मचारी को फंसाने के उद्देश्य से अपराधा ने अपने प्रेमी हरिमोहन के सहयोग से कुसमी जंगल में जाकर ग्लिसरीन लिक्विड की 3 शीशों को मिलाकर सिर पर गिरा लिया था, जिससे पता चले कि सिर में चोट लग गई थी, वह खून बह रहा था। वो फोटो खींचकर पिता के मोबाइल पर व्हाट्सएप नंबर भेज दिया गया। उसके बाद प्रेमी हरिमोहन के साथ फिरोजाबाद चली गई थी, लेकिन रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में हरिमोहन पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी थाना खंदौली जिला आगरा तथा उसकी प्रेमिका पुत्री अनिल कुमार पांडे निवासी ओम नगर कॉलोनी बाल बुजुर्ग थाना चौरी चौरा शामिल है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा सुमित शुक्ला ने बताया। प्रेमी है यार। और थोड़ी चेक बोलते रहिए। बताओ सर, ये चाहती थी कि इसकी पिताजी का थोड़ा मैटर था कि मतलब ज़्यादा उसको टॉर्चर वॉर्चर कर रहे थे, तो ये सोच रही थी कि मतलब उनकी नज़र में मर जाएगी तो वो लोग ज़्यादा मतलब कोई उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे। हम लोग साथ बिहेवियर मेरे पति था, मैं मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि कुछ करवाएंगे नहीं तो चार्जर जाएंगे, बाकी बवाल वगैरह खत्म हो जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा, इसकी वजह से मैं नहीं सकती हूँ। कोई टीवी सीरियल कुछ नहीं मैं देखती हूँ, मुझे बस उनकी नजरों में मानना था, बस मैंने वही किया। आगे साफ इसकी भाभी को छोड़ के बाकी कोई नहीं जानता, जिस दिन लगाए हुए थे दूसरे है ना, हालांकि जो थाना चौरी चौरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक युवती का अपहरण का अभियोग पंजीकृत हुआ और उसके सोशल मीडिया पर कुछ सनसनीखेज वीडियो भी वायरल हुए। इस संबंध में थाना चौरी चौरा एवं सर्विलांस टीम के मदद से तहकीकात की गई तो बाद में पता चला कि युवती और उसके तथाकथित प्रेमी दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी में बाद पूछताछ की गई तो यह बात प्रकाश में आई कि लोग एक सिंगिंग ऐप है कोई स्टार मेकर, उससे संपर्क में आए थे, उससे धीरे धीरे इनके संपर्क बढ़ने लगे, इसी बीच में संपर्क ज़्यादा बढ़ गए और इन लोगों ने भागने की योजना बना ली। क्योंकि युवती का ये भी कहना है कि वो अपने पिताजी से उनके उलाहनों से कुछ ज़्यादा परेशान थी, इसलिए उसने ऐसा नाटक किया कि मैं मर गई हूँ आपके लिए, आप मुझे मत खोजिए, दो चार दिन आप रोएंगे शांत हो जाएंगे, आपकी बेइज्जती भी ना हो और साथ में हमारा काम भी हो जाए, इसी उद्देश्य से उसने ऐसा वीडियो वायरल कराया और स्वयं प्रेमी के साथ चली गई। थाना चौरी सर्विलांस की टीम की मदद से आज ये गिरफ्तार किए गए हैं और ये झूठी सूचना देना और अन्य अभियोगों में आज इनको जेल भेजा जा रहा है। कहना है कि अप्रैल 2018 से इनकी जान पहचान शुरू हुई और बीच में दो बार दिसंबर और मार्च दो बार गोरखपुर आए, जो जिसमें इनकी मुलाकात हुई थी। पुलिस कुछ इनके घर से भी कुछ क्ल्यू मिले, फिर सर्विलांस की काफ़ी मदद ली गई, इसी आधार पर एनालिसिस की गई। बाद में इनके एक सगे रिश्तेदार है वो भी पूरी जानकारी जानता था, पुलिस को धीरे-धीरे शक हुई तो इन सारी कड़ियों को ही जोड़ के पुलिस स्टेशन सीधे तक पहुंची। दोनों बालिग हैं कि ना बालिग? दोनों बालिग हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, लड़का बीटेक किया हुआ है, लड़की भी ग्रेजुएशन की गई, 22-23 साल उम्र दोनों। कितने सालों से इनका संबंध है? अप्रैल 2018 से पहली बार संपर्क में आए थे, तभी से एक दूसरे से जान पहचान थे, उसी में गिरफ्तार किया। कहाँ कहाँ गए थे पता चला? पता चला कि प्रथम दृष्टि आगरा, आगरा से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से पुनः शादी करने के लिए। इनके जो कुछ बहुत करीबी लोग हैं उन्होंने झांसा दिया कि आप यहाँ आ जाइए, हम आपकी शादी करा देते हैं, सब चीज़ खत्म हो जाएगी, तो वहीं से गिरफ्तार किया गया।